हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये कलियों वाली डोरमेट की डिजाइन बनाना बताऊंगी। इसे मैं आज आपको पुरानी साड़ी से बनाना बताऊंगी। आज मैं इस डिजाइन को आपको 27 फंदे से बनाना बता रही हूँ। 27 फंदे में भी काफी ही बड़ा बनकर तैयार हो जा रहा है, क्योंकि आज मैं इसे आपको पुरानी साड़ी से बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, ये लगभग 20 इंचेस का ये लगभग तैयार हो रहा है। देखिए, अगर आप ये डिजाइन को बनाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा इस डिजाइन को समझने के लिए। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए डिजाइन देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसमें हम लोग ये 27 फंदा ले लेते हैं पिंक कलर के कपड़े से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 27 फंदा ले लिए हैं। और मैं बताना भूल गई कि मैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये 8 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ आज, क्योंकि ये मैं कपड़े से बना रही हूँ इसीलिए। तो आप 7 नंबर, 6 नंबर या 8 नंबर के कांटे से आप बना सकते हैं। अब देखिए, पहले ही लाइन से डिज़ाइन शुरू हो जाती है। तो देखिए, यहाँ से 6 फंदा हम लोगों को बिनना है। तो ये पहला फंदा उठा लिए, दूसरे फंदे से बिनना शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 6 फंदा बिन लिए, 2, 2, 4, 2, 6। अब ये जो सातवां फंदा है, इसमें हम लोग चैन डालेंगे जैसे कि डिजाइन में है। देखिए, ये चैन जैसा बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से चैन बनानी है। इस वाले फंदे को इस तरह से सीधा बिनना है और कांटे के ऊपर से धागे को इस तरह से लपेट लेना है, जिससे यहाँ पे एक फंदा देखिए बढ़ गया। अब ये फंदा जो है, सॉरी, कपड़ा जो है इसे सामने लाएंगे और इसके बाद का 2 फंदा हम लोग साथ में लेकर के यहाँ बिन देंगे इस तरह से। देखिए हो गया। अब इसके बाद इस कपड़े को उल्टे साइड कर देंगे और अभी जो फंदे हम लोग बिने उन्हीं को बिनते हुए यहाँ तक कर लेंगे, कर लेते हैं इसे। इस साइड से सबको उल्टा ही बिनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आगे इसके ऊपरी साइड में। अब यहाँ पे देखिए दूसरा लाइन सेम करेंगे, जैसे पहला लाइन बनाया वैसे ही करना है। तो देखिए, ये हमारा चैन है, चैन के आगे यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। तो अब यहाँ पे 7 फंदा बिनेंगे और 8वां जो चैन है वहाँ पे फिर से चैन बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ से 7 फंदा बिन लेते हैं, 1, 2। ये 7। अब देखिए ये चैन है, यहाँ फिर से चैन बनाएंगे इस तरह से सीधा बिन करके। ये देखिए, फिर से यहाँ पे एक फंदा ये बढ़ गया। फिर से धागा सामने लाएंगे, पहले इन दोनों को बिने थे और 2 फंदा साथ में लेकर के इसमें बिन देंगे इस तरह से। तो 4 फंदा यहाँ बिन लेते हैं, 2, 3, ये देखिए 4। यहीं से धागा को पलट देते हैं इस साइड से, फिर से बिनते हुए इन्हीं फंदों को बिनते हुए यहाँ तक फिर वापस कर लेंगे। तो जैसे ये 2 लाइन बनाए हैं वैसे ही बाकी फंदों को भी इसी तरह से 2-2 फंदा साथ में लेकर के बिनते जाएंगे। और यहाँ पे ये चैन के पास यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, जैसे जाली डाल के बढ़ा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। तो इसे कर लेते हैं, यहाँ तक के सारे फंदों को कर लेते हैं, अंत में 2 फंदा रह जाएगा तब तक कर लेते हैं। तो अभी मैं गिन के बताऊँगी कि यहाँ पर ये कितना फंदा हम लोग बढ़ाए हैं। तो इतना कर लेते हैं, उसके आगे बताते हैं, सेम प्रोसेस इसे कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए यहाँ तक आ गए। अभी यहाँ पे देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 लाइन बनाए। 9 लाइन बनाए मतलब यहाँ पे हर लाइन में एक एक फंदा बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे 9 फंदा बढ़ गया है। अब इधर में देखिए, सिर्फ ये अंत में 2 फंदा यहाँ पे बिनने को रह गया, ये इसका लास्ट लाइन है।
ये कली का। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो हम लोग 9 फंदा बढ़ाए हैं उन 9 फंदा को हम लोग यहाँ पे बंद कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से 2 फंदा को साथ में लेकर के बीन देंगे। तो ये 1, 2, 4 बिल्कुल ऐसे ही, जब हम लोग का पूरा डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे ही सारे फंदे बंद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग कली बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से 9 फंदा बंद कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग शुरुआत में जैसा मेरा 6 फंदा था वैसे ही यहाँ पे भी अब 6 फंदा रहने देंगे। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 फंदा जो है उसे ऐसे ही रहने देंगे, इसे नहीं बंधेंगे। इधर 9 फंदा बंद कर लिए थे। अब देखिए इन 6 को पहले बीन लेते हैं इस तरह से। और ये जो 7वां फंदा में हम लोग यहाँ पे जाली डाल रहे हैं, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये जो धागा है इसे उल्टे साइड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसे हम लोग यहाँ पे से सीधा बीनेंगे, जिससे यहाँ पे कोई फंदा बढ़ेगा नहीं, पर ये जो चेन बन रहा है वो कंटिन्यू हम लोग का रहेगा। देखिए इस तरह से अब ये धागा को फिर सामने ले आएंगे। इस बार सबको बीनते हुए एकदम अंत तक के सारे फंदे बीन लेंगे यहाँ तक के। तो कर लेते हैं इसे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और अच्छा भी लगेगा अगर डिज़ाइन तो भी कमेंट करके अच्छा प्रोत्साहित करिएगा मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स, अंत में आ गए हैं। अंत में जो 2 फंदा रह गया था इन्हें इस लाइन में बीन देंगे। ये देखिए, अब देखिए जैसा कि इस डिज़ाइन में हम लोग 2 कलर से बनाए हैं, तो अब हम लोग को इसमें भी 2 कलर अगर लगाएंगे तो यहीं से इसके बैक साइड में यहाँ पे हम लोग दूसरा कलर लगा लेंगे। बाद में इसे बांध देंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर लगा लेते हैं। यहाँ पे सारे ही फंदे बीनते हुए उल्टे साइड में एकदम ऊपर तक इसे बीन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए आगे इसके ऊपरी साइड में। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे 6 फंदा बीनेंगे जैसे पहला लाइन में बीने थे। फिर से इसकी पहली कली की तरह ही बाकी कलियों को हम लोग को बनानी है। और ये जहाँ पे चैन जा रहा है वहीं पे हम लोग को फिर से जाली डाल के चैन बनाना है। यहीं से हम लोग को फंदा बढ़ाना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक लाइन जो 10वां लाइन होता है हम लोग का, उसमें हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, बाकी 9 लाइन हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हुए बनाना है। फिर से ये धागा सामने लाएंगे और ये 2 फंदा बीन देंगे और फिर यहीं से धागा को पलट देंगे, फिर बाकी वो बीन के वापस यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह से जैसे ये किए बिल्कुल वैसे इसकी सारी कली को कम्प्लीट कर लेंगे। और अंत में देखिए, जैसे कि इसकी इस डिज़ाइन में इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई है, तो अंत में जैसे हम लोग फंदे बंद कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही फंदे बंद कर लेंगे। देखिए पिंक में ये ख़त्म हुआ है, यहाँ पे सारे फंदे बंद कर लेंगे एक साथ, और यहाँ से 6 फंदा और इधर से 6 फंदा साथ में मिलाते हुए ये सिलाई कर लेंगे सुई धागे से इस तरह से। देखिए यहाँ सिलाई किया गया है, तो ऐसे ही सिलाई कर लेंगे जब डोरमेट कम्प्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही इसे कम्प्लीट कर लीजिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।